गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस लिया था और डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टू, जैसे वापस से एक बार मैं उसको रिवाइज करवाती हूँ। डायहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हेन टू ट्रेट्स और टू कैरेक्टर आर कंसीडर फॉर क्रॉसिंग, और जब हमने दो ट्रेट या दो कैरेक्टर कंसीडर करे थे क्रॉसिंग के लिए तो हमको जो रेशो मिला था वो रेशो हमें मिला था बेटा 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशो था और जीनोटिपिक रेशो था 1:2:2:4:1:2:1:1 और टोटल 9 टाइप के जीनोटाइप्स थे और 4 टाइप के फिनोटाइप थे। और ये हमने F2 जनरेशन के अंदर लिया था, बट स्टिल ये डायहाइब्रिड क्रॉस होते हुए भी दे आर टेकिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज इट इज़। मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए येलो का ग्रीन के साथ में और राउंड का रिंकल्ड के साथ में, तो जो रेशो आ रहा था उनका टोटल वो 3:1 और 3:1 रेशो ही आ रहा था। अब हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आज वो बन रहा है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है बेटा। तो सिंपली पहले मैं लॉ बताती हूँ। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है बेटा ये लॉ? ये कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, कि वो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं और वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट रहता है फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। लेकिन ये कब होता है? जब हम दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन करते हैं इन अ हाइब्रिड। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, कितने पेयर्स? टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, एक हाइब्रिड में दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है, तो देन दे सेग्रीगेट, यानी कि जो सेग्रीगेशन होता है किसका? ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट इन डिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ जब मेंडल ने ये दिया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करके और जो F1 F2 जनरेशन दिखाई थी तो उसके अंदर 9:3:3:1 का रेशो आया था। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट मेंडल्स लॉ वॉज नॉट एक्नॉलेज्ड एट दैट टाइम, एंड लेटर ऑन आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ 3 डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज दे रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ। ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में स्टडी करा था बेटा। तो अब बात आती है कि अगर हम इसको देखें, यानी मैं अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो अगर आपको एग्जाम में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है तो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू शो इट बाय द डायहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ वेरी सिंपल। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे। तो एक्चुअली इस वीडियो में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हमें पता है बेटा
1900 में थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? वन इज द ह्यूगो डीवरीज, सेकेंड इज द कार्ल कॉरेंस एंड थर्ड इज द वोन शेरमार्क। ये तीन साइंटिस्ट ने दे रीडिस्कवर्ड, दीज थ्री साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ। ठीक है बेटा, अब मेंडल्स लॉ को उस टाइम में 1900 और उसके लेटर ऑन व्हाई ही मींस व्हाई द मेंडल्स लॉ गेट एक्नॉलेज, सबको मेंडल्स लॉ क्यों समझ आने लगे? क्योंकि बाय दैट टाइम यानी इन 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट कब बेटा? क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट सॉरी कि 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट की, क्रोमोसोम्स का किस तरह से मूवमेंट होता है मियोसिस के दौरान में, तो वो चीज़ वर्कड आउट हो गई थी क्योंकि उस टाइम में स्टेनिंग करके और क्रोमोसोम्स का किस तरह मियोसिस में मूवमेंट होता है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो दो साइंटिस्ट दैट इज वॉल्टर सॉटिन एंड थियोडोर बॉवरी BOVERI थियोडोर बॉवरी, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने क्रोमोसोम्स का मूवमेंट और मेंडल्स के लॉ को पैरेलली स्टडी करके लोगों को बताया। अब सिंपली है बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में मियोसिस पढ़ी है, तो मैं एक बार उस मियोसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ बेटा। आप लोगों को पता है, मैं एक बार फिर मियोसिस को लेती हूँ थोड़ा सा। मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप्स में होता है, फर्स्ट मियोसिस वन जो होता है बेटा वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, हम सबको पता है, 11th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया है। नहीं अगर याद है तो एक बार 11th क्लास का सेल साइकिल चैप्टर से दोबारा से रीड करो, उसमें मियोसिस टॉपिक। तो फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो रिडक्शनल होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर सपोज हम मान के चलते हैं पी का है, तो अगर पी में 14 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे मियोसिस वन के बाद में जो दो सेल्स बनेंगी, बोथ द सेल्स विल कंटेन 7 क्रोमोसोम। उसके बाद में मियोसिस टू होगा बेटा, और मियोसिस टू जो होता है, मियोसिस टू इज एन इक्वेशनल डिवीज़न, मियोसिस टू इज एन इक्वेशनल डिवीज़न। और जब इक्वेशनल डिवीज़न होता है तो अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं, टोटल 4 सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल दीज सेल्स आर हैविंग 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यू कैन से कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हाट द एट द बिगनिंग ऑफ द मियोसिस इज देयर। तो मियोसिस वन और मियोसिस टू, अब सिंपली हम लोग एक बार मियोसिस वन और मियोसिस टू में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखेंगे। तो आई विल नॉट टेक ऑल द क्रोमोसोम्स, आई विल जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन बाय टेकिंग ओनली 4 क्रोमोसोम्स। हम केवल 4 क्रोमोसोम्स लेते हुए एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा। तो 4 क्रोमोसोम्स लेते हुए अगर अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता है बेटा मियोसिस वन की जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज प्रोफेज वन। अब हमने ये भी पढ़ा था बेटा 11th क्लास में कि प्रोफेज वन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेटिव प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेटिव प्रोसेस होता है। तो प्रोफेज वन को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द वेरियस स्टेजेस, जैसे कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड
एंड डाइकाइनेसिस. फाइव स्टेजेस में डिवाइड किया गया है बेटा. अगर अपन फाइव स्टेजेस में देखा जाए तो लेप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन चलता है. लेप्टोटीन स्टेज में क्या चलता है बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. तो कंडेंसेशन जाइगोटीन के अंदर हो जाता है बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है बेटा. फेकाइटिन स्टेज के अंदर चलता है बेटा क्रॉसिंग ओवर. डिप्लोटीन स्टेज में फॉर्म होता है क्यास्मेटा और डाइकाइनेसिस में वो कंप्लीटली क्रॉस ओवर होने के बाद में क्रोमोसोम एक दूसरे से कंप्लीट सेपरेट हो जाते हैं. ये स्टेजेस थी बेटा. हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो सिंपली अगर अपन ये देखें कि क्रोमोसोम्स का मूवमेंट मियोसिस में कैसे होता है तो आई विल ड्रॉ द डायग्राम बाय टेकिंग फोर क्रोमोसोम्स. मैं फोर क्रोमोसोम्स को लेके डायग्राम ड्रॉ करती हूँ बेटा. तो अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फोर क्रोमोसोम्स को लेते हुए तो सिंपली हमारा जो डायग्राम रहेगा वो डायग्राम मैं चार कलर्स ले लेती हूँ बेटा जिससे कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन से हैं. तो आई एम टेकिंग फोर कलर्स. सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ कि सपोज एक सेल है. अब सबसे फर्स्ट कोई भी सेल व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस और माइटोसिस. कभी भी जब सेल माइटोसिस या मियोसिस होती है उसमें तो आपको पता है एक फेज होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज. S फेज के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है और जब रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है तो DNA अमाउंट डबल होता है. क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं लेकिन जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं तो सिंपली मैं यहाँ पे जो फर्स्ट फेज बना रही हूँ, फर्स्ट सेल बना रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि जब वो G1 फेज में है. जब वो G1 फेज में है तो उनके पास में जितनी क्रोमोसोम्स हैं तो मैं क्रोमोसोम्स बना रही हूँ बेटा कि सपोज एक क्रोमोसोम ये हो गया, इसी का ही दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम. इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया बेटा ये. थर्ड मैं लेती हूँ बेटा सपोज थर्ड क्रोमोसोम अपन ले लेते हैं. ये क्रोमोसोम हुआ और फोर्थ क्रोमोसोम अगर हम लेते हैं ये हो गए. ठीक है बेटा. अब इसको मैं ये क्रोमोसोम्स हुए G1 फेज में. जब S फेज कंप्लीट हो जाएगा तो S फेज में रेप्लिकेशन हो जाता है. तो जब रेप्लिकेशन होगा और जब G2 फेज आएगा तो G2 फेज में आते आते इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिड आर्म्स बाइवेलेंट स्टेज में आ जाता है. तो सिंपली अब मैं ये वाले क्रोमोसोम्स को इस तरह से ड्रॉ करूंगी बेटा. ये बाइवेलेंट स्टेज हो गया बेटा. दूसरा वाला क्रोमोसोम अपना ये हो गया. थर्ड क्रोमोसोम बाइवेलेंट स्टेज में आ गया एंड फोर्थ क्रोमोसोम ये भी बाइवेलेंट स्टेज में प्रेजेंट हो गया. अब आप ये कह सकते हो कि मैम आपने ये दोनों क्रोमोसोम्स क्यों अलग अलग कलर के बनाए और ये दोनों भी अलग अलग कलर के हैं जबकि ये दोनों होमोलोगस हैं और ये दोनों होमोलोगस हैं. तो बेटा हमें पता है कि कोई भी इंडिविजुअल में आउट ऑफ दो दैट होमोलोगस क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम फादर एंड अदर क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम मदर. तो मैं सिंपली ये लिख सकती हूँ कि ये पापा का क्रोमोसोम है एंड ये मदर का क्रोमोसोम है. ऐसे ही ये फादर का क्रोमोसोम है
और ये मदर का क्रोमोसोम है, यानी ये हमें फादर से मिल रहा है, ये मदर से, ये पापा से और ये मदर से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है। अब सिंपली अगर अपन देखें कि मियोसिस वन के मेटाफेज स्टेज में, मियोसिस वन, अब मियोसिस वन में अभी मैं क्रॉसिंग ओवर को ओमिट कर रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग क्रॉसिंग ओवर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अगर मैं इसके अंदर ये लेती हूँ कि मेटाफेज स्टेज में क्या होगा बेटा, तो आपको पता है मैं इसको मेटाफेज स्टेज में अगर लेते हैं तो ये इक्वेटर पर अगर अरेंज होते हैं तो मैं सिंपली इनको रोटेट करके इस तरह से अरेंज करवाती हूँ। ओके, वन, नेक्स्ट इज द टू, थ्री, एंड दिस इज फोर्थ। ये बेटा हुई मेटाफेज वन, मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन में, और ये इसकी चारों तरफ मैंने बना दिया सेल, आपको पता है मेटाफेज वन में जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से पोल की तरफ अरेंज रहते हैं। नाउ व्हाट हैपन व्हेन द मेटाफेज वन अकर, दीज टू क्रोमोसोम्स विच आर कमिंग फ्रॉम द फादर, इट मूव टूवर्ड्स वन पोल एंड द टू क्रोमोसोम्स दैट इज मूव टूवर्ड्स द अनादर पोल, यानी दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे बेटा। जब ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर, यानी कि एनाफेज वन में, तो एनाफेज वन में या सेल डिवीजन होने के बाद, जब सेल डिवीजन होएगा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा बेटा, एक पोल पर हमको दो क्रोमोसोम्स और दूसरे पोल पर हमको नेक्स्ट टू क्रोमोसोम, यानी हम कहते हैं कि देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो गया बेटा, सेग्रीगेशन हो गया, और सेग्रीगेशन होने के बाद में ये दो क्रोमोसोम एक सेल में चले गए और ये दोनों क्रोमोसोम दूसरी सेल में आ गए। ओके, सो द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मियोसिस वन का रिडक्शनल डिवीजन होता है तो 14 से 7 7 रह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फोर थे, फोर से कितने रह गए एक सेल में, टू, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। ओके, तो ये तो रहा मियोसिस वन। तो मियोसिस वन का जब अगर टेलोफेज वन आ जाता है, या एनाफेज अगर हम लोग लेते हैं कि टेलोफेज वन आ गया, अब आता है सेकेंड स्टेज, सेकेंड यानी कि मियोसिस टू। अब इसके अंदर जब मियोसिस टू होगी, मियोसिस सेकेंड, जब मियोसिस सेकेंड होगा बेटा, तो अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह से अरेंज रहेंगे। तो मैं पहले इस सेल का बनाऊंगी, उसके बाद में इस सेल का बनाऊंगी। तो ये मैंने बनाया, इक्वेटर प्लेट पर अरेंज है बेटा, ओके, ये हमारा हो गया मेटाफेज टू। ये मेटाफेज टू पर क्रोमोसोम्स अरेंज होगा इक्वेटर प्लेट पर। अब बेटा आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग दैट ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेग्रीगेटेड। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए थे बेटा, जबकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेज वन मीन्स एनाफेज वन और एनाफेज टू में,
एनाफेज वन में द होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेग्रीगेटेड, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए थे, और मेटाफेज टू के बाद जो एनाफेज टू आएगी उसमें द सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे एंड देन द टू आर्म्स यानी ये दोनों क्रोमेटिड मूव्स वन पोल एंड दीज टू क्रोमेटिड मूव्स टू द अनादर पोल. तो सिंपली क्या होगा कि आउट ऑफ दीज टू फोर क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड विल कम एट वन पोल एंड अनादर क्रोमेटिड विल कम लाइक दिस. इसी तरह से इधर और ये, और हमारे पास मिल गई बेटा हमको टोटल ये वन और ये टू सेल्स. अगर आप लोग ध्यान दो तो ये बिल्कुल हम लोगों के क्रोमोसोम्स जब जीवन फेज में थे सिंगल क्रोमेटिड आर्म्स, उसी तरह से ये भी क्रोमेटिड आर्म्स हैं. तो ये तो हुआ जब किस सेल में हमने डिवीज़न बताया है बेटा, इसमें बताया है. सेम थिंग जब इसके अंदर भी डिवीज़न होएगा तो इसमें भी वही स्टेप चलेगी और अल्टीमेटली हमको जो सेल्स मिलेंगी उन सेल्स के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, तो वो जो अरेंजमेंट रहेगा उन सेल्स का, अगर हम इसका लेते हैं बेटा तो हमको जो सेल्स मिलेगी वो सेल्स मिलेगी, एक सेल में हमको ये मिलेगा बेटा और दूसरी वाली हमको ये और थर्ड ये, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बिगर साइज़ का बन गया. तो हमारे पास टोटल सेल्स बन जाएंगी वन टू थ्री और फोर. हमारे पास टोटल कितनी सेल्स बन गई बेटा, फोर सेल्स बन गई. तो दिस शोज दैट हाउ द क्रोमोसोम्स गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं ये एक सिंपल फिनोमिना शो कर रहे हैं. यानी 1902 में ये पता लगा कि किस तरह से क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग मियोसिस. ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि मियोसिस के दौरान में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कैसे होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम लोगों ने ली है कंडीशन, ये दो सिचुएशन आ सकती है, डबल सिचुएशन आ सकती है बेटा. तो वो डबल सिचुएशन कैसे आ सकती है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. जिससे हम, इससे तो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये सिंपली क्रोमोसोमल मूवमेंट जो दिया था बेटा, तो उन्होंने सॉर्टन एंड बॉवेरी जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, उन्होंने ये कहा कि एज द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो नेचुरली जैसे जैसे क्रोमोसोम मूव करेंगे वैसे वैसे जीन्स भी मूव करेंगे. जैसे सपोज अगर आपके हाथ में बॉल है, सपोज बॉल इज अ जीन एंड यू आर अ क्रोमोसोम एंड यू आर कैरिंग अ बॉल, तो व्हेन यू आर कैरिंग अ बॉल एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनादर प्लेस देन बॉल विल ऑल्सो गो विथ यू. आपके पास बॉल है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बॉल भी आपके साथ ही दूसरी जगह पर जाएगी. इसका मतलब क्रोमोसोम जाएगा जहाँ पे वहीं पे क्या जाएगा बेटा, जीन भी जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स शो द पैरेलल बिहेवियर. पैरेलल मतलब कि जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगा उसके ऊपर जीन भी उस उधर ही उसी सेल में जाएगा. तो वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया था उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.